में बती नहीं श्री कृष्ण नाम समना बालंग वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिरहक बानी लगी है सखी जो हिला जैसे जान कितना धीरज में धरो छन छन मिकी सत प्राण ग्रह जगा दे आग को आग जगा दे जीप जीप जगा दे पीप को वही जीप वही की बाण बहुत जबरदस्त बाण है। बुरा की बाण लगी थी मां दुर्गी को जिसने कंस राजा दुर्गी को अपनी डोली में बसा करके ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहे थे दुर्गी को। कंस राजा बड़े खुशहाली में है। जब घर से निकलते हैं रथ लेकर के कुछ रास्ता तय हुई तो कंस के कान में आकाश मार्ग से आवाज आती है, रे कंस तुम ठहरी जाओ जिस भगने को ससुराल पहुंचाने जाते हैं। कंस तुम्हें संभल जाओ जिस भगने को ससुराल पहुंचाने जाते हैं। मन मोद प्रमोद में मस्त हुए तुम समाप्त आकाश मार्ग से कंस की कानों में आवाज दे है कि कंस तुम संभल जाओ, अब जिस बहन को तुम ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहे हो डोली में बिसा करके वो तेरी बहन नहीं है, तुम्हारे लिए वो काली नागिन है। सो कैसे इसके गर्भ है अष्टम्ब से और सुत ऐसा पैदा होगा, इसके गर्भ अष्टम्ब से सुत ऐसा पैदा होगा, धर्म चूर्ण करी रा इस बहन की गर्भ अष्टमी से सुत ऐसा पैदा होगा धर्म चोर करी तुझे जगत से झमपुर को पहुंचाएगा। यही बहन की अठवां गर्भ की बच्चा जो पैदा लेगा कंस तुम्हारा काल पैदा लेगा।
और तुमको मार करके जामलों को पहुंचाएगा, यही बहन की अपना घर की बच्चा। कैसे राजा चौंक गए कि आज तो मैं बड़े खुशहाली में आकर के बहन को डोली में बसा करके ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, यही बहन की अथमा गर्भ की बच्चा मेरा काल पैदा लेगा। ठीक है, जब कंस को इतनी बात की जानकारी मिली, क्या काम करता है कंस, इतना सुनी कंस राजा रथ से नीचे आते हैं, आग पकड़ी यशवन की रथ को कंसी ठहराते हैं, रथ के ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, रथ को रोक करके देवकी की बाल पकड़ते हैं, कहते देवकी अब तुम इसे आगे नहीं बढ़ सकती हो। हाथ में खंडा लेकर के कंस राजा देवकी को काटने के लिए तैयार है। देवकी हाथ जोड़ करके कंस राजा से कह रही है, भैया मेरी क्या गलती, भैया अभी मैं सज धज करके नैहर से ससुराल जा रही हूं, मुझसे क्या गलती हुई, क्या भूल हुआ, भैया आप हाथ में खंडा लेकर के तैयार है मुझे काटने के लिए। कंस राजा कहते हैं देवकी से, देवकी आगे तुम पूरी तुझा पहुंचाऊंगा, बहन नहीं तुम्हें बैरनी हो देखी, जन पर तुझा पहुंचाऊंगा, जहरीले काले नागी में हो तू जल से तुम्हें मिटाऊंगा। कहते हैं देवकी से, देवकी तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम तो मेरे लिए जहरीली काली नागिन हो, आज मैं अपने हाथ से तुम्हें समाप्त कर दूंगा, सीधे तुमको मैं जंगल पहुंचाऊंगा, इसलिए अगर जल न रहेगा तो भूतल में कहां से आ सकता है, अगर वृक्ष न रहे तो फल कहां से आएगा, जिस वृक्ष का फल मेरे लिए काल होगा उस वृक्ष को मैं समाप्त करना चाहता हूं, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, ना देव कि तुम जिंदा रहोगे ना तुम्हारा अथमा गर्भ की बच्चा मेरा काल पैदा लेगा, चढ़ न रहेगा तो भूतर में फल कहां से आ सकता है, अगर उदित न होवा भील कर तो किरण कहां से आ सकता है। हाथ जुड़ करके कंस राजा से करी, भैया भैया माफ कीजिए भैया, इस संसार में बहुत